हेलो देयर गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, मैं बहुत टाइम बाद वापस आ रहा हूँ अपने चैनल पे। मैंने वीडियो डालना छोड़ दिया था, लगभग छोड़ ही दिया था, लेकिन मैं सोचा वापस आते कोई नए पोकेमोन गेम के साथ। मुझे वैसे भी बाकी अदर गेम्स खेलने का मन भी नहीं कर रहा था, मैं सोचा कोई पोकेमोन गेम्स के साथ ही आता हूँ वापस। तो मैंने डाउनलोड किया पोकेमोन अल्ट्रासन, मैंने इसके रिव्यू चेक किए, बहुत अच्छा गेम था अलोला लेजेंड का। और मैंने अभी तक कोई भी ऐसा गेम नहीं है, वहाँ कोई भी ऐसा गेम है जो मैंने अलोला का खेला है, तो लिटिल बिट न्यू फॉर मी। और अगर मेरी ऑडियंस के लिए भी नया रहेगा तो आई डोंट नो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द डे फाइनल, और मैंने लेआउट नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, प्लस मुझे वॉइस ओवर करना रहता है। मैंने सोचा एडिटिंग में वॉइस ओवर करना है, वॉइस ओवर तो करना ही पड़ता है, वो तो है ही, लेकिन बाकी जो एडिटिंग में जो टाइम जाता है ना, मैंने सोचा डुअल स्क्रीन एडिटिंग करने से अच्छा मैं बैठूं, मैं फटाफट एक सिंगल स्क्रीन दिखाऊंगा आप लोगों को जहां मेन कंटेंट रहता है, बाकी वो तो अदर स्क्रीन रहता है, उस पर देखने का कोई मतलब भी नहीं है। तो मैंने सोचा यही डाउनलोड कर, मतलब यही लेआउट पे चलता हूँ। लेआउट भी नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया इसके लिए, मैंने सिर्फ उठाया रिकॉर्ड किया और बस अपलोड कर रहा हूँ अभी, मतलब एडिट कर रहा हूँ। और ये आप लोग को कल परसों, मतलब मेरा नहीं, आप लोग का कल मिल जाएगा ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे। और कीप सपोर्टिंग गाइस, मतलब मैं ही वीडियोस अपलोड नहीं करता हूँ, आप लोग को क्या। तो भाई इसका, लेकिन ये गेम का मैं वो बताओ, एबिलिटी किसी ने शायद ही नोटिस किया होगा भाई, जो पीछे बैकग्राउंड में साउंड बजता है जब कोई आता है, वो कांडा वाली फील आती है यार। तो पहले अपना कैरेक्टर चूज कर लेते हैं, वैसे फटाफट इसमें क्या, ये पार्ट दिखाना भी नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन गेम का सीन है तो दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो मेरा नाम, अगर जिसको नहीं पता, मेरा नाम राज है, RAJ। तो मैं यहाँ पर फटाफट टाइप कर लेता हूँ, वो दूसरी स्क्रीन में टाइप हो रहा होगा, वो आप लोग को नहीं दिखेगा। देखो मैं अभी डबल लेआउट स्क्रीन एडिट करता ना, तो वीडियो शायद आती एक दो दिन के बाद आती, क्योंकि मेरे कॉलेज भी रहते हैं, मुझे ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने रहते, तो मैं शायद ही कर पाता, लेकिन चलो हो गया। 10:04 गुड बड़ी, आई विल लेट यू एवरीबडी आउट हेयर। अरे नहीं, पता है मैं टेक्स्ट तक रीड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गेम प्ले गेम पहले रिकॉर्ड करता हूँ, बाद में वॉइस ओवर करता हूँ। तो मतलब मेरा हो गया आज, मैंने गेम प्ले रिकॉर्ड किया हो और अब मैं बैठा हूँ, टाइम पास नहीं हो रहा है, तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो चलो फटाफट अभी जाते हैं। ये भाई ये रीज़न में ना, मतलब लिटरली बताऊँ, मुझे नहीं लगता जिम बैचेस भी होंगे यार, क्योंकि ये आइलैंड में बटा हुआ गेम है यार। मैंने खेला है, मैंने इसको खेला है, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे खेला, मतलब जस्ट अभी अभी जब स्टार्ट किया था ना मैंने, तब मैंने मतलब थोड़ा बहुत देखा यूट्यूब पे इंट्रो। हाँ, ये वाला सीन भाई, इसमें मतलब कॉस्मोस आता है, मतलब वो जो छोटा वाला पोकेमोन रहता है ना भाई। हाँ, वो थोड़ा फ्रेम ड्रॉप होगा कि मैं इसको थोड़े ग्राफिक हाई करके खेल रहा हूँ, आप लोग को अच्छे से दिखे इसकी वजह से। ये तो अगर मेरे को वैसे खेलना रहता तो मैं तो इसको बहुत लेस ग्राफिक पे ख़त्म कर चुका रहता अब तक। और इसी सीन में और कॉस्मोस एंट्री लेता है, और जो भाई मतलब हार्ड पोकेमोन है वो भाई, मतलब एक तरह से वो है खुदा ना, यूनिवर्स टाइमलाइन वैसा भाई, मतलब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ लेकिन हाँ है वैसा ही है भाई ये कॉस्मोस भाई। इसके ऊपर कितने बंदों ने तो फैक्ट बनाया है। हाँ, अगर मैं अल्ट्रा मून खेलता तो मुझे वो मिलता, क्या बोलते हैं, लूनाटोन, और ये एंट्रो अल्ट्रा सन। मैं सन भी खेल सकता हूँ, लेकिन सन में उतना मज़ा नहीं आएगा, मैंने देखा है सन की, सन भी है अच्छा ही गेम है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा जितना इसमें अल्ट्रा बीस्ट भी रहेगा ना, मस्त भाई। 3 months लेटर, तो गाइस आई एम इन अलोला रीजन। भाई यार ये वाइब्स ना एकदम पोकेमोन के ना, मज़े आ जाते हैं मज़े, कोई भी गेम में ना ऐसे वाइब्स नहीं मिलते पोकेमोन वाले। मतलब भाई मैंने ओमेगा रूबी भी अभी हाल ही में ही ख़त्म किया, मैं ऑफ स्क्रीन हूँ, तो गाइस मैं ऑफ स्क्रीन ओमेगा रूबी खेला था, अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मैं वापस से उसको ख़त्म कर सकता, लेकिन वो गेम भी है भाई अच्छा। उसमें मतलब एक चीज़ मेरे को सिर्फ अच्छा है, जो लाटियस का जो फ्लाइंग एनिमेशन रहता है ना, बस शायद ही अभी तक किसी भी न्यू गेम्स में भी पोकेमोन ने ऐड नहीं किया वो वाला सीनरी। मतलब देखिए, अगर जिसने भी खेला है भाई उसको मैं बता रहा हूँ, एक एलोन फ्लूट करके कुछ मिलता है, उससे भाई हम लोग लैटियस को लिटरली बुला के आइलैंड के ऊपर हम लोग फ्लाई कर सकते, एक्चुअल फ्लाई कर सकते, जो पोकेमोन से नहीं, एक्चुअल फ्लाई भाई, वो वाला सीन इमेजिन था। कांट यू जस्ट फील दैट वॉर्म द फर्स्ट डे स्पेंड अंडर अलोला सन,
It's so warm and bright here. But that enough of that. Time to unpack all these boxes. Meow, go get Raj for me, old you. मियाँ भाई यहाँ इसको अलोला म्याउथ रखना चाहिए था ना, ये नॉर्मल कैंटो म्याउथ है, अलोलन म्याउथ भी मस्त लगता है भाई, वाइट कलर का अलोलन नाइन टेल्स भी भाई, अलोलन पोकेमोन एक अलग ही लेवल पोकेमोन होते हैं। तो भाई ये म्याउथ का व्यू है भाई, जस्ट इमेजिन करो पोकेमोन व्यू ऐसा कोई मिले। मतलब अभी तक देखो मैंने जितने भी गेम खेले ना, कोई भी गेम में ज़्यादातर मैंने फ्लाई वाला एनिमेशन जो था वो पोकेमोन ओमेगा रूबी का, वो मेरे लिए न्यू था, पूरा न्यू था, मैं लिटरली पागल सा हो गया था उसके लिए। मैं ढूंढ रहा था कैसे मिले, और मेरी वॉइस अगर थोड़ी ख़राब लगे तो कोई नहीं। तो वॉइस लिटरली वो वाला फ्लूट ना मैं ढूंढने के लिए पागल हो गया। मैं सोचा था पहले फ्लाई वाला अटैक होगा, वो मैं फ्लाई सिखाया लेटियस को, मैं सोचा फ्लाई करता हूँ अब देखता हूँ होगा तो नहीं, सॉरी पहले गेम पे फोकस करते बाद में बताता। और भाई ये क्या हो रहा है, करना क्या है, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे गेम मेरे लिए नया है तो। अरे ओ सॉरी, वो लेफ़्ट राइट वाला बटन दबाना था, मैंने वही नहीं दबाया भाई। गेम के सही ग्राफिक ये वाले गेम, मतलब जैसे लगते हैं ना एस का जो कालोस रीजन है ना, वो वैसा है, सच्ची बोल रहा हूँ। तो इस गेम के जो वो बंदा है वो एस के कालोस जैसा ही लगता है। दैट्स ऑल राइट, गुड लक। और ये रखा हमारा गेमिंग कंसोल सबसे पुराना वाला, जो कि अभी तक मैंने नहीं परचेस किए। क्या ज़रूरत जब अपने पास सिट्रा हो, सिट्रा रहता है ना, ज़्यादातर गेम मैं सिट्रा पे खेलता। सिट्रा डाउनलोड करो, कैनरी पे बनाओ और अपना ये रोम डाउनलोड करो। मैं रोम की वो डिटेल अगर चाहिए रोम और एमुलेटर की लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करो, मस्त खेलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है हमारी मॉम। यू वेयर आउट लाइक अ लाइट, वारंट यू, यू ऑट टू बी फुल ऑफ एनर्जी बाय नाउ, एंड जस्ट लुक, इट्स ऑलरेडी डे टाइम, इट्स कम्प्लीटली द अपोजिट ऑफ कैंटो, बट then we are so far away in Alola here. So Raj, are you excited to meet some Alolan Pokemon? Yeah, of course, अरे मैं excited हूँ, of course भाई, of course. मेरे लिए Alolan Pokemon अभी नया, मैंने क्योंकि नहीं खेला ये सब गेम, बाकी यूट्यूबर्स का मैं नहीं बोल सकता। We are living in the Alola region now. I'm sure the Pokemon living in this place like must be friendly, right? It might not be bad idea to go out and see for yourself how just how friendly Pokemon here are. Right, Raj? गो गेट एन योर, अरे वो सब बोल रहे लाने के लिए। और इसमें मैंने शायद देखा था, मैंने वो जो मैं वीडियो चेक कर रहा था, मतलब अल्ट्रासाउंड डाउनलोड करने से पहले, हाँ ये वाले एनिमेशन भाई खतरनाक एनिमेशंस हैं। मतलब इस गेम के अभी तक ये वाला एनिमेशन मैंने स्वॉर्ड एंड शील्ड में देखा था, मैंने सोचा था वो गेम कुछ ज़्यादा हाई ग्राफिक है इसके लिए उसमें होता है। और अपना एक्स में भी, एक्स एंड वाई में भी ऐसा एनिमेशन नहीं था कि वो डोर को धक्का देता था, वो जाता था और बस डोर के सामने जाता था और डोर ऑटोमेटिकली ओपन। लेकिन ये वाला इसमें फीचर अच्छा है भाई, मेरे को नहीं पता था इन है अच्छा फीचर। और अपने ये पहनते हैं हम लोग फटाफट, क्रैब और बैग एंड हैट बॉडी। और भाई इस गेम में भी क्लोथ्स होंगे, क्योंकि पता है मैंने ओमेगा रूबी पूरा चेक कर लिया लेकिन मुझे क्लोथ्स ओमेगा रूबी में नहीं मिले। मतलब सिर्फ फैशन पोकेमोन एक्स में ही था जो था, बाकी और किसी गेम में नहीं है। हाँ मैंने ओमेगा रूबी पता है लिटरली पूरा सर्च किया, मैं सोचा पोकेमोन हो, यूट्यूब पे भी देखा, यूट्यूब पे भी कुछ फेक चिट्स आए थे ना। यू लुक सॉरी मैं लोग के चैट्स क्यों पढ़ रहा हूँ, पहले पढ़ ही लेता। ओ बीट ए न्यू सो राज, स्टिल आई हैवन टू एडमिट दैट आई वुड लव टू हैव अ न्यू, व्हाई डू यू अप हेड टू इकी टाउन एंड सी व्हाट डिस्कवरीज इन अलोला। भाई इसके मतलब बहुत फनी नाम है इकी, अब मेरे को एनिमे याद आ जाता है डेमन स्लेयर, जिसने नहीं देखा देखो भाई बहुत अच्छा है। बाकी भाई ये सब तगड़ी चीज़ है, मैं ओवर एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मेरे लिए नया है गेम, आप लोग के लिए भी होगा भाई। इसमें मेरे को सही ये फीचर इन लोग को ऐड करना चाहिए, पोकेमोन वालों को अपडेट देना चाहिए, इन सब गेम पे भी थोड़ा ध्यान दो। ओ जो मिशन बार रहता है वो हमें दिखा देना चाहिए यार, उसमें रोटोम डेक्स भी मिलता है ना। हाँ भाई अलोला रीजन में तो था रोटोम डेक्स यार। और ये बैग खुला एक्स है, 5,000 पॉकी डॉलर हमेशा भाई, मतलब लिटरली मैंने मेरे को अभी तक घर से 5,000 पॉकी डॉलर 5,000 पैसे नहीं मिले, आपको शायद मिले होंगे तो पता नहीं, जिसको मिले भाई कमेंट कर दो भाई। 5,000 दे के बच्चा चाओ चाओ बच्चा, ऐसा मतलब कौन बोलता है घर से जाओ तुम पोकेमोन ट्रेनर बनो। ऐश की मम्मी ने भी उसको 5,000 नहीं दिए रहेंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ।
तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ ट्रेनर व्रेनर दिख रहे हैं, यहीं पर होंगे। और ये अलोलन म्याउ, यू कैन गो विथ मी, व्हाट डू यू थिंक मी सॉन्ग। मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, मैं चैट नहीं रीड करूँगा। रूट वन, द पावर ऑफ साइंस इज अमेजिंग, यू कैन एंजॉय अ फेस्टिवल विद पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड विदाउट टेकिंग अ स्टेप। एवरी डे इज अ फेस्टिवल। ओ भाई बड़ी, ये तो कोविड वाला सीन हो रहा है। मतलब लाइक ये वही बताना चाह रहा है कि अभी जैसे हम फेस्टिवल वीडियो कॉल पर अटेंड करते हैं, ज़्यादातर अगर जिसने किया, मैंने किया एक फेस्टिवल वीडियो कॉल पर अटेंड, इसलिए बता रहा हूँ मैं, होते हैं भाई। कोरोना ने बहुत लगाई है। तो ये यांगूस, ये भाई मेरे पास पोकेमोन नहीं हो, मैं घास में क्यों घुस गया था भाई, मैं चौड़ा क्यों हो रहा हूँ इतना इसके सामने। ओ भाई तीनों स्टार्टर, गार्डियन ऑफ मी, लिटिल, ये इसका नाम मेरे को नहीं पता, ये लिटिल है, और ये हो जाएगा पॉलीपो, ऐसा ही कुछ इसका नाम है, वाटर और फेरी टाइप। इसका लास्ट एवोल्यूशन मैंने अपने फैक्ट में भी बताया था। तो गाइस वाह भाई, ये तीनों ने मेरे को बचा लिया, थैंक यू बड़ी, थैंक यू यार। भाई ये बंदा कुछ ज़्यादा ही कुछ चल रहा है। अब देखते हैं मैं इसमें से, कोई है दे कज़न, मैं इसका कज़न हूँ, इसमें मेरे को नहीं पता था अब तक। हैंग ऑन, आई नो यू आर राज राइट, यू ओके, आई सॉ यू गेट अटैक लाइक दैट, यस आई गॉट लिटिल बिट ऑफ हेल्प, मुझे सिर्फ हेल्प चाहिए थी, मुझे कुछ छुआ नहीं था। लाइक कोई दांत दिखा रहा है, लुक्स लाइक यू डिड दैट द आई डिडेंट, दिस लिटिल फेलोज वुल डैश आउट ऑफ देयर ओन टू हेल्प अस सेव अ स्ट्रेंजर। ओ भाई ये तीनों पोकेमोन मेरे लिए आया, बट आई एम गेसिंग, आई एम गेटिंग हेड ऑफ माई सेल्फ, वेलकम टू अलोला द पोकेमोन पैराडाइज, दैट्स व्हाट आई एम सपोज टू सेइंग, आई एम कुकू ये द पोकेमोन प्रोफेसर, या आई नो पीपल एंड पोकेमोन लिविंग एंड वॉकिंग टूगेदर हियर इन अलोला टू, डोंट यू एवर फॉरगेट, यू कैन गो एवरीवेयर, या एज लॉन्ग यू गॉट पोकेमोन इन योर कॉर्नर, वाइल्ड पोकेमोन कुड बी लर्किंग इन द टॉल ग्रासेस, या जस्ट waiting to leap out and bite you, but you will be fine if you got a partner of your own. Hey there, hear me, let you introduce the Pokemon that help you just now. Iska first wale ka naam mere ko nahi yaad hai, iske paas tha ye, this is a grass type Pokemon, fire type later, aur iska naam dikhaya tha maine, ready nahi kiya, sorry yaar, abhi to wapas dikhayega, polypo jiska naam pata tha, पॉलीपो शायद ही होगा, मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ। यू सी द फैक्ट ऑफ मैटर, वन ऑफ दिस पोकेमोन विल बी बिकम योर फर्स्ट पार्टनर, हे मे बी दैट्स व्हाई आई वांटेड टू सेव यू, गो एंड चूज देम वन यू वुड लाइक टू कीप एज योर पार्टनर। तो गाइस मेरे को क्या चुनना चाहिए, मैं चुन के आप लोग को बताता हूँ। तो गाइस मैंने बहुत सोचा, मैं सोचता हूँ लिटिल ही ले लेता हूँ, मैंने कभी भी इस रीज़न के फायर टाइप के साथ नहीं खेला, हाँ मतलब इस रीज़न का इंसर्जन के साथ मैंने खेला ही नहीं है कभी। तो भाई इसमें जी मूव्स भी होते हैं, तो इसका जी मूव बहुत तगड़ा रहता है, तो आई चूज़ यू लिटिल। भाई क्या सीन है, मतलब पोकेमोन चूज़ करने का, वो टाइम जब हम रेड रैन पोकेमोन फायर रेड और ग्रीन खेलते थे, तब का बात है, तब ऐसे कुछ नहीं हुआ करता था। यू चूज लिटिल, भाई मस्त, इसे मेरा थंबनेल होगा आज का, भाई बहुत अमेजिंग दिख रहा है। तो चलो अभी हमने लिटिल को चूज़ कर लिया, हम निकनेम तो नहीं देने वाला, मैं किसी भी पोकेमोन को अपने निकनेम, मुझे नहीं पसंद है निकनेम देना, इनको अपने नाम से जो आते हैं वही मुझे ज़्यादा पसंद है। सो यू वेंट विथ लिटिल, वाह ए भाई मैं चैट्स नहीं पढ़ता, और सॉरी मुझे थोड़ी सी खांसी है, इसकी वजह से मैं वॉइस ओवर ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, बीच बीच में मेरे को खांसी लेने जाना पड़ रहा है। आइलैंड कोहुना, ट्रूथ इज अ पार्टनर ऑफ लिटिल ऑफ योर स्क्वाइट गिफ्ट फ्रॉम द कोहुना, सो लेट्स गो ऑफ ईयर्स एंड से अ प्रॉपर थैंक यू कज़न, इट मे नॉट बी गिफ्टेड इन केस यू हैड एंड हियर द ककुनाज आर क्रेजी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ट्रेनर्स, बी केयरफुल अबाउट गेटिंग वन ऑफ देम इन योर बैटल। मैंने पढ़ लिया था, और गाइस मुझे थोड़ी सी खांसी टाइप हो गई, इसलिए मैं फटाफट नहीं बोल पा रहा हूँ। तो वो होगा अपना इकी टाउन ही होना चाहिए, मेरे को नहीं पता। गेट लिटिल दैट योर पॉकेबल आई गेव यू, और भाई इसमें भी हम लोग पोकेमोन बाहर नहीं रख सकते, एक गेम में तो रखने दो यार, इतना हाई ग्राफिक्स पोकेमोन गेम बनाया और बाहर नहीं रख सकते, मज़ा नहीं आता।
तो हमारे ऊपर कब से कोई एक पोकेमोन उड़ रहा है। तो दैट इज़ फॉर द एंड ऑफ दिस एपिसोड गाइज। अगर मज़ा आया, सोचो बोलो मज़ा तो आया रहेगा भाई, मैं बहुत दिन बाद आ रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। अब तो गाइज आप लोग को मज़ा आ रहेगा तो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करें, और अगला एपिसोड जल्दी आएगा इसके बाद वाला, तो हम लोग जल्दी मिलेंगे। और आज का एपिसोड कैसा लगा बताइए, और बहुत दिन बाद आया, कमेंट में कुछ नहीं बोलेगा मेरे को। तो बाय गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट। इसमें एक डांस वाला भी रहता है ना, मुझे नहीं